महफिल इश्क की तोहीन ना करो, महफिल इश्क की तोहीन ना करो, और जिन बाजारों में बिकते हैं जिस्म इश्क के नाम पे, उन बाजारों पे यकीन ना करो। नमस्कार, मेरा नाम है जतिन मिश्र और आज मैं फिर एक बार अपनी कविता लेके आया हूँ जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे। आप में से कई लोग होंगे और कई लोगों का कभी हुआ होगा लॉन्ग डिस्टेंस, और वैसे आजकल तो लॉकडाउन में सबके लिए लॉन्ग डिस्टेंस ही है। तो आई होप आपको पसंद आए। तुझसे दूर रहकर भी तुझे अपने करीब महसूस करता हूँ, तुझसे दूर रहकर भी तुझे अपने करीब महसूस करता हूँ, और इन फासलों में तू कहीं किसी और की ना हो जाए, बस इस बात से डरता हूँ। हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है कि मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता हूँ, पर क्या करूँ यार, तुझसे इतना प्यार जो करता हूँ। मेरी शहर की धूप और रात की चांदनी में बस तेरी कमी है, मेरी शहर की धूप और रात की चांदनी में बस तेरी कमी है, नाराजगी मुझे किसी और से नहीं, बस इन फासलों से दुश्मनी है। अगर कम हो जाए ये फासले किसी दिन, अगर कम हो जाए ये फासले किसी दिन, तो तुझे दूर नहीं जाने दूंगा, जिंदगी के हर मोड़ हर उतार चढ़ाव में तेरे साथ खड़ा रहूंगा। याद आती है मुझे हमारी वो दो छोटी छोटी मुलाकातें, याद आती है मुझे वो हमारी दो छोटी छोटी मुलाकातें, फिर चेहरे पर स्माइल ले आती है फोन पे हुई हमारी लंबी लंबी बातें, पढ़ लेता हूँ हमारी फर्स्ट कन्वर्सेशन जब भी अकेला महसूस करता हूँ, इन फासलों में तो कहीं किसी और की ना हो जाए, बस इस बात से डरता हूँ। पर कभी कभी इस फासले पर भी बहुत प्यार आता है, पर कभी इस फासले पर भी बहुत प्यार आता है, क्योंकि यही तो एक चीज है जो इस रिश्ते को इतना स्पेशल बनाता है। पूछ लेना मेरे दोस्तों से, पूछ लेना मेरे दोस्तों से, उनसे भी मैं सिर्फ तेरी बातें करता हूँ, इन फासलों में तो कहीं किसी और की ना हो जाए, बस इस बात से डरता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, अगर आई होगी तो कमेंट करें और शेयर करें, और आई होप कि जिसके लिए है उस तक भी पहुंच जाए। एंड थैंक यू सो मच, आई मिस यू गौरू।